नमस्कार, स्वागत है आपका बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यदि विश्वास अटूट हो और लगन मेहनत की हमराही बन जाए तो मंजिल जरूर हासिल होती है। इसी उम्मीद के सहारे नेशनल महिला हॉकी टीम की हर बेटी देख रही है रियो ओलंपिक में गोल्ड जीतने का सपना। यूं तो इस टीम की हर सदस्य की कहानी अपने आप में एक मिसाल से कम नहीं है, लेकिन पूरी टीम में उत्साह का संचार करने वाली कैप्टन ऋतु रानी की कहानी सबसे अलग है। रूढ़ियों की बेड़ियों को पीछे छोड़कर इस बेटी ने कैसे लिख डाली देश के गौरव की नई कहानी, देखिए आज के एपिसोड में। ये कहानी है एक टीम की, एक सपने की, जो इस टीम के हर सदस्य की आंखों में पल रहा है। सफलता का वो लक्ष्य जो उमंग बनकर इनकी रगों में दौड़ रहा है। एक विश्वास जो इन्हें बिना रुके बिना थमे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा रहा है। ये विजय को तिरंगे के रंग में रंगना चाहती हैं, जीना चाहती हैं उस लम्हे को जब इनके गले में होगा ओलंपिक का गोल्ड मेडल। 2016 में लहराएगा देश का झंडा और जीत होगी इंडिया की। इस टीम की हर सदस्य की एक ही लगन है, धुन भी एक और जुनून भी एक, और इस मकसद को हासिल करने के लिए ये घंटों पसीना बहाती हैं। घंटों पसीना बहाती टीम की इस मेहनत ने रंग लाना भी शुरू कर दिया है। भारतीय हॉकी टीम ने 36 साल बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। जैसे हमारे शाबत की ये मतलब खासियत है कि हम लोग सभी जगह पे हमारा मेडल होता है, वो भी गोल्ड मेडल ही होता है, तो इसलिए हम लोग का कॉन्फिडेंस शुरू से इतना, मतलब हम लोग धीरे धीरे ऐसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मतलब यहाँ पे जैसे हम लोग जीतते हैं उसके बाद हम लोग फिर इंडिया टीम में गए, इंडिया टीम में भी हम लोग का कॉन्फिडेंस अब इस टाइम में बहुत मतलब अच्छा हुआ, जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, क्योंकि हमारे पिछले साल में और अभी भी जैसे हमारा काफ़ी मेडल्स आए, एशियन गेम्स में आए, वर्ल्ड कप में हमारा मेडल था और अभी ओलंपिक क्वालिफाई किया है। तो इस टीम की हर बेटी का हॉकी नेशनल तक पहुंचने का सफर संघर्ष की एक अनसुनी दास्तां है। टीम की कमान ऋतु रानी के हाथों में है। 1991 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से निकलने वाली इस बेटी ने 8 साल की उम्र में खेलना शुरू कर दिया था। बेटी की लगन देखकर माता पिता ने भी पूरा अवसर दिया। शाहबाद हॉकी अकेडमी से ट्रेनिंग लेनी शुरू हुई और 15 साल की उम्र में करियर में बड़ा मोड़ आया जब सीनियर हॉकी टीम के लिए ऋतु का चयन किया गया और उसके बाद इस बेटी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2006 में दोहा एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व किया, 2009 में रूस पहुंचकर सबसे ज्यादा गोल करके रिकॉर्ड बनाया और 2011 में नेशनल हॉकी टीम की कैप्टन बनी। 2014 तक ऋतु इंडियन रेलवे में काम कर रही थी, लेकिन अब वे हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हैं। वक्त मिलने पर अपने गृह नगर में जाकर बच्चियों को हॉकी के गुर भी सिखाती हैं। बतौर कैप्टन ऋतु को भरोसा है कि रियो ओलंपिक में देश की इन बेटियों की मेहनत जरूर रंग लाएगी। हमारे हरियाणा में भी मतलब इतने टर्फ नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि अब जो हॉकी खेली जा रही है वो सारी टर्फ पे मतलब हो रही है, ग्रास लेवल की हॉकी नहीं रही, तो ज़्यादा से ज़्यादा टर्फ की मतलब टर्फ प्रोवाइड करें। और जैसे अभी अब ये भी है कि हम लोग जैसे अभी ओलंपिक क्वालिफाई किया हमने इतने टाइम के बाद, तो ऐसा कुछ नहीं किसी ने हमें कुछ अनाउंस किया हो, कुछ भी अब तक कुछ अनाउंस ही नहीं हुआ है। चलो ठीक है, हम जा तो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जैसे होता है कि उसको और प्लेयर्स को और कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम लोग ओलंपिक्स में जाए और अच्छा परफॉर्म करें। ऋतु की ही कप्तानी में टीम इंडिया ने 2013 में एशिया कप और 2014 में एशियन गेम्स में तीसरी जगह बनाई, लेकिन इस बेटी का सपना सिर्फ एक है, रियो ओलंपिक में देश के लिए मेडल लाना, और इस मकसद में उनके साथ हैं पूरी हॉकी टीम। भविष्य के ये नए सितारे देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। रियो ओलंपिक में क्या राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम देश का परचम लहरा पाएगी? यदि आप इस टीम की बेटियों की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी सुनना चाहते हैं तो कल जरूर देखिएगा महिला हॉकी टीम से हमारी खास मुलाकात आपके बरस मोहे बिटिया ही दीजो में रात 9:30 बजे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और ईटीवी के सभी चैनल्स पर एक साथ।